नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हमशक्ल होना कई बार फायदे का सौदा होता है, तो कई बार ये आपके लिए मुसीबत भी बन जाता है। पीएम मोदी के हमशक्ल होने का अब तक फायदा उठा रहे लोगों से पूछ लीजिए कि इसके नुकसान भी हैं, और क्या नुकसान है ये सहारनपुर के अभिनंदन पाठक से बेहतर कौन बता सकता है। लोग इन दिनों पीएम मोदी से काफी खफा हैं। इसकी वजह है बढ़ती महंगाई और इन दिनों पेट्रोल डीजल की कीमतों का आसमान छूना। लोग इस गुस्से को मोदी जी के पास जाकर तो निकाल नहीं सके, मगर गुस्से में कुछ लोग मोदी जी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक को पीएम मोदी ही समझ बैठे। और फिर क्या था, लोगों ने गुस्से में आकर पाठक जी पर लात घूंसों की बौछार कर दी और लोगों ने धुनाई भी इतनी की कि कपड़े तक फाड़ दिए। अभिनंदन पाठक ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी मोदी जी की सोच के अनुरूप काम और व्यवहार नहीं कर रही है, जिससे मेरा व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हुआ है। पाठक ने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को मैंने 50 पत्र लिखे, मगर कोई सुनने वाला नहीं है और सब अहंकार में डूबे हुए हैं। मेरे से लोग पूछते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, जिसे लेकर लोगों ने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए और लोगों ने चांटे भी मारे। अभिनंदन पाठक ने बीजेपी छोड़ने की घोषणा करने के साथ साथ कहा कि बात मोदी जी तक नहीं पहुंची तो मैं सोनिया जी और राहुल गांधी से मिलूंगा और कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगा। अब आपको अभिनंदन पाठक के बारे में बताते हैं कि आखिर ये कौन है। दरअसल अभिनंदन पाठक एक राजनेता होने के साथ साथ और एक स्कूल के भी प्रबंधक हैं। यही नहीं बल्कि जूनियर मोदी के नाम से मशहूर पाठक 2014 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की तमाम रैलियों में नजर आए थे और वाराणसी में तो गली गली में घूमकर इन्होंने पीएम मोदी के लिए वोट भी मांगे थे। बता दें कि ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। इनका जन्म भी सहारनपुर में हुआ है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी सहारनपुर जिले की ही है। इन्होंने जैन डिग्री कॉलेज से स्नातक और एमए किया। अभिनंदन पाठक एक बहुत ही गरीब परिवार से थे और इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी संघर्ष भी किया है। बता दें कि इनके पिता जूते पॉलिश करते थे और दूसरे के यहाँ बर्तन साफ करते थे। खास बात तो यह है कि इनका जीवन का एक पहलू भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। मोदी जी तो ट्रेन में चाय बेचते थे, लेकिन अभिनंदन पाठक ट्रेन में खीरे बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। कल तक पीएम मोदी की तरह दिखने के कारण लोग उनका सम्मान करते थे, सर आंखों पर बिठाते थे, सेल्फी खिंचवाते थे और साथ ही चाय नाश्ता का ऑफर भी करते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। लोग देखते ही गुस्सा होने लगते हैं और मारने को दौड़ते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।